हरियाणा के सिरसा से निर्दलीय विधायक और लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। सुबह 6 बजे के करीब ईडी के अधिकारी इस सिविल लाइन स्थित निवास स्थान पर पहुंचे हैं और सुबह से ही चीज़ों को खंगाला जा रहा है। हरियाणा के ज़मीनों से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर परिवर्तन निदेशालय की टीमें गोपाल गोयल कांडा के निवास पर मौजूद हैं और लगातार परिजनों से पूछताछ की जा रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि गोपाल गोयल कांडा अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कालका की ज़मीन बताई जा रही है, हिसार की ज़मीन बताई जा रही है और इन तमाम ज़मीनों से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते ये रेड यहाँ पे और MDLR के ऑफिस में सिविल लाइन स्थित ही MDLR के ऑफिस में भी बताई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही NDA के घटक दलों की जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसमें भी लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा मौजूद रहे थे और आस्था जताई थी NDA में शामिल होने की। इसके बाद मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। गीतिका सुसाइड केस के अंदर बरी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम ग्रुप थे उनके अंदर भी गोपाल गोयल कांडा को लेकर स्वागत कहा गया था कि गोपाल गोयल कांडा भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने की कोशिश की थी और इसके बाद अब इस तरह की रेड कहीं ना कहीं गोपाल गोयल कांडा की मुश्किलों को ज़रूर बढ़ाने में लगी है। आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, ईडी के अधिकारी भी अभी अंदर शामिल हुए हैं और तमाम जो गाड़ियाँ हैं ईडी के अधिकारियों की वो भी अंदर मौजूद हैं। इस तरह की ही रेड MDLR के ऑफिस में भी की जा रही है और बताया जा रहा है कि काफ़ी कुछ संदिग्ध कागजात को यहाँ से बरामद किया गया है। लगातार उन कागजात को लेकर, ज़मीनी कागजात को लेकर पूछताछ की जा रही है और कुछ घंटों की इस रेड के बाद ये ज़रूर साफ हो पाएगा कि आखिर ये रेड किस मकसद के चलते की गई थी। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।